सब्सक्राइब कीजिए ईडब्ल्यू नेटवर्क और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। बेलापुर में मौजूद रॉयल डेयरी के मिलावटी डिलाइट गोल्ड बटर की बिना किसी जांच ही खुलेआम बिक्री कर लोगों की जान से खेलने का मामला सामने आया है। दूध से बने खाद्य पदार्थों में पाम तेल और केमिकल का इस्तेमाल करने का आरोप सबूतों के साथ नवी मुंबई एनसीपी युवा नेता नितिन चव्हाण ने कार्यकर्ताओं समेत कारखाने में जाकर किया। इस गोरख धंधे का पर्दाफाश करते हुए नितिन चव्हाण ने कहा कि उक्त कंपनी जुलाई के महीने में अप्रैल की पैकिंग कर पैकेट पर बिना कोई कस्टमर केयर नंबर और पता डाले ही इन उत्पादों की बिक्री कर रहे थे, जिसके खिलाफ राज्य के अन्न पुरवठा विभाग और नवी मुंबई पुलिस में शिकायत कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सध्या नवी मुंबई मध्ये बेलापुर येथील रॉयल डेअरी या कंपनीचे दूधयुक्त पदार्थ म्हणजे बटर असेल की चीज असेल असे पदार्थ मोठ्या प्रमाणात हॉटेल्सला दिले जातात। आम्ही 2 दिवसापूर्वी रॉयल डेअरी यांचं डिलाइट गोल्ड हे बटर जे आहे ह्याच्या आम्ही कारखान्यात गेलो होतो। या कारखान्यामध्ये गेलो असता एक मोठा प्रकार उघडकीस आला। जुलै 2004 रोजी एप्रिल 2022 हे इथे मेन्शन केलेलं आहे, एप्रिल 2022 पॅकिंग त्या ठिकाणी केलं जात होतं। त्याचप्रमाणे त्या ठिकाणी पाम तेल आणि केमिकल याचा वापर करून हे पूर्ण बटर बनवलं जातं। हे नवी मुंबईकरांच्या नागरिकांच्या शरीराशी खेळल्याचा प्रकार हा मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी उघडकीस आलेला आहे। तरी मी या संदर्भात अन्न पुरवठा विभाग तसेच नवी मुंबई पोलीस कमिशनर यांना ह्या ब्रँड विरोधात किंवा तसेच मालकाविरोधात गुन्हा दाखल करावा आणि हा त्यांनी जो आत्तापर्यंत रेडी केलेला माल आहे हा तत्काळ आपल्या ताब्यात घ्यावा असं आम्ही पत्र देत आहोत। ब्युरो इनपुट ईडब्ल्यू नेटवर्क।